हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम मोनिका। और आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि आप अपना फेस कितने टाइम के लिए वॉश करते हैं। जब आप क्लिंजर अपने हाथ पे लेते हैं उसके बाद जब अपने फेस को आप रब करते हैं तो कितने टाइम के लिए करते हैं? आई थिंक 15 सेकेंड, 20 सेकेंड, मे बी 30 सेकेंड। आई गेस इससे ज़्यादा तो बिल्कुल नहीं करते होंगे। बट क्या आपको पता है कि आपको अपना फेस एटलीस्ट 60 सेकेंड तक वॉश करना चाहिए, उसको क्लीन करना चाहिए ताकि आपकी स्किन से जो भी इम्प्योरिटीज़ हैं, डर्ट हैं, वो अच्छे से निकल सके। ओके, तो आज मैं आपको एक रूल के बारे में बताने वाली हूँ, दैट इज़ 60 सेकेंड फेस वॉश रूल। ये US की कोई ब्लॉगर हैं, नेम का रॉबर्ट स्मिथ, इन्होंने इसे अपने फॉलोअर को बताया था। मतलब इस तरह से अपने फेस को वॉश करना चाहिए, ये उन्होंने बताया था एंड उनके फॉलोअर को इससे बहुत सारे बेनिफिट भी हुए थे। तो आज इसी के बारे में बात करते हैं, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो क्या है ये 60 सेकेंड फेस वॉश रूल? इसमें आपको क्या करना है, जो भी क्लिंजर है उसको आप अपने फिंगर्स पे लेंगे, उसके बाद उसको अपने फेस पे अप्लाई करेंगे एंड फेस को पहले वेट कर लेंगे, उसके बाद क्लिंजर को अप्लाई करेंगे। फिंगर्स की हेल्प से ही आपको अपना फेस रब करना है, उसको क्लीन करना है एंड ये आपको पूरे 60 सेकंड के लिए करना है। एंड फेस का जो हर एक एरिया है, हर पार्ट को आपको अच्छे से ध्यान देते हुए 60 सेकंड तक अपने फिंगर्स या फिर फिंगर टिप्स की हेल्प से फेस को क्लीन करना है। एंड उसके बाद आपको अपना फेस वाटर से वॉश कर देना है, जो कि हम करते ही हैं। तो बेसिकली 60 सेकंड फेस वॉश रूल यही है। अब मैं आपको बताती हूँ ये काम कैसे करता है। आपने कभी कभी फील किया है कि कभी कभी हमारे फॉरहेड वाले एरिया पे या फिर जो हमारा ये लोअर फेस का लोअर पार्ट होता है इस पे या फिर लिप्स के ऊपर या चिन पे कभी कभी ब्रेकआउट होते रहते हैं? तो इसका एक रीज़न ये हो सकता है कि आप अपना फेस अच्छे से क्लीन नहीं कर रहे, तो आपकी स्किन में जो भी डर्ट एंड इम्प्योरिटीज़ रह जाती हैं वो पिम्पल एंड ब्रेकआउट के फॉर्म में बाहर निकलती है। मैं ये नहीं कह रही कि इसका यही रीज़न है कि आप अपना फेस अच्छे से क्लीन नहीं कर रहे, मे बी इसका कुछ और रीज़न हो। बट अगर इसका रीज़न कुछ और नहीं है तो आप ये 60 सेकेंड रूल अगर अप्लाई करेंगे तो ये सब होना स्टॉप हो जाएगा, मतलब ब्रेकआउट एंड पिम्पल्स होना आपको स्टॉप हो जाएंगे। तो कैसे करना है आपको ये? भाई, सबसे पहले अपने फेस को आपको वेट कर लेना है एंड उसके बाद जो क्लिंजर होता है उसको अपने फिंगर्स के बीच में, मतलब फिंगर्स पे लेना है, अपने पूरे फेस पे अप्लाई करना है। एंड आप टाइमर लगा के रख सकते हैं 60 सेकेंड का, ज़रूरी नहीं है आपको रोज़ रोज़ टाइमर लगा के रखना पड़े। जब आप एक दो दिन तक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, फिर आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी टाइमर लगाने की, आपको खुद पता चल जाएगा कि कितना टाइम लग रहा है। ये ज़रूरी नहीं कि एग्जैक्ट 60 सेकेंड ही हो, मे बी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। तो आप अपने फिंगर्स की हेल्प से अपने फेस के हर एक एरिया को ध्यान देते हुए अच्छे से क्लीन करेंगे, अच्छे से रब करेंगे। ज़्यादातर क्या होता है कि जो हमारा चीक वाला एरिया है हम उसी पे रब करते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना, आपको फोरहेड पे भी अच्छे से ध्यान देना है, ये वाला जो एरिया है यहाँ पे भी अच्छे से ध्यान देना है, ये जो लोअर पार्ट होता है फेस का इस पे भी अच्छे से ध्यान देना है, चिन एंड ये वाला एरिया, नोज़ एंड ये वाला जो चीज़ होता है यहाँ पे भी आपको अच्छे से ध्यान देना है। बेसिकली आपको जो फेस है उसका हर एक पार्ट को अच्छे से ध्यान देते हुए क्लीन करना है। तो ये अगर आप फॉलो करेंगे, एटलीस्ट 7 डेज तक आप फॉलो करके देखिए, आपको इसका जो बेनिफिट है आपको खुद पता चलेगा, क्या आपकी स्किन में चेंज होंगे इससे वो आपको खुद पता चलेगा। तो इसके बेनिफिट क्या हैं? तो सबसे पहला बेनिफिट तो यही कि आपको ब्रेकआउट होना, कभी कभी हेयर एंड देयर जो आपको ब्रेकआउट होते रहते हैं वो होना धीरे धीरे कम हो जाएंगे एंड फेस स्टॉप हो जाएंगे। अगर इसका रीज़न यही है ब्रेकआउट का कि आप फेस क्लीन नहीं कर रहे अच्छे से, तो एंड इससे क्या होता है कि जो 60 सेकेंड तक के लिए अपने फेस पे जो भी उसको क्लीन करते हैं तो जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं, मेकअप एंड ऑयल जो होता है, ये सब डिसॉल्व होने लगता है एंड जब उसको हम पानी से वॉश कर देते हैं तो सब निकल जाता है। दूसरा बेनिफिट इसका ये होगा कि हमारे जो क्लिंजर होते हैं वो स्पेसिफिक, उनका कुछ ना कुछ स्किन कंसर्न होता है, कुछ ना कुछ स्किन कंसर्न के लिए वो होते हैं। तो जब हम उसको
जल्दी जल्दी से अपने फेस को क्लीन कर देते हैं बस 15 या 20 सेकेंड तक के लिए, तो जो उसमें इंग्रेडिएंट होते हैं उनको टाइम ही नहीं मिल पाता हमारी स्किन पे अच्छे से काम करने के लिए। तो जब आप 60 सेकेंड तक फॉलो करेंगे अपने स्किन को, फिर 60 सेकेंड तक वॉश करेंगे, तो जो उसमें जो इंग्रेडिएंट है आपके क्लिंजर में उनको स्किन में डीपर पेनिट्रेशन होने के लिए उनको टाइम मिल पाएगा एंड वो अपना वर्क अच्छे से कर पाएंगे। तो दूसरा बेनिफिट इसका ये है। एंड आपको ये दो बार फॉलो करना है दिन में, मॉर्निंग में इतना ज़रूरी नहीं है आप फॉलो करें क्योंकि रात में हम कहीं नहीं जाते तो हमारी स्किन पर ऐसे बहुत ज़्यादा डर्ट या फिर पॉल्यूशन इस तरह की चीज़ें नहीं होती। बट जब भी आप बाहर से आएँ एंड नाइट स्किन केयर रूटीन करने से पहले आप ये वाला रूल ज़रूर फॉलो करेंगे। सो यह 60 सेकेंड फेस वॉश रूल यही था। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर वीडियो पसंद आया तो मेरी वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं एंड इसी तरह का कंटेंट, आप स्किन से रिलेटेड कंटेंट देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं मिलती हूँ आपको अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।